हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू ऑफ 4 अप्रैल, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, विच कंट्री टॉप्स इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। कौन सा कंट्री टॉप किया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में? आपका ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए टॉप किया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में। उसके बाद यूके है सेकंड पोजीशन में और जर्मनी थर्ड पोजीशन में। इंडिया का स्कोर है 38.40% और इंडिया का रैंक है 40 आउट ऑफ 53 ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, जो 9th एडिशन था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिकवर थ्रू इंजेन्यूटी 2021 में, जिसको कि रिलीज किया गया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी, इसके प्रेसिडेंट और सीईओ डेविड हिरेसमैन है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए पे है। यूएसए के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन, कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। जर्मनी के चांसलर एंजेलिना जोरटिया मर्केल, कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 4 अप्रैल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी एटिव फर्स्ट रैंक इन इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50 लाख टू एंड ट्यूबरक्लोसिस अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? कौन सा स्टेट या यूटी अचीव किया है पहला रैंक भारत में, जिसका पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है और उसने एंड किया है ट्यूबरक्लोसिस को अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अचीव किया पहला रैंक इंडिया के सारे स्टेट में जिसका पॉपुलेशन है मोर देन 50 लाख का, उस कैटेगरी में एंड करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस को अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। इस सेलिब्रेशन के दौरान वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली, डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिक्लेयर किया था कि लक्षद्वीप यूटी और डिस्ट्रिक्ट बुडगम जम्मू एंड कश्मीर का वो ट्यूबरक्लोसिस फ्री है। इंडिया ने रिजॉल्व किया था कि वो एंड करेंगे ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक, एंड करना टीबी एपिडेमिक को 2030 तक। ये हेल्थ टारगेट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का और इंडिया में 30% वर्ल्ड का टीबी केसेस है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व किया जा रहा 24 मार्च 2021 का थीम है द क्लॉक इज टिकलिंग। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल पाटिल है, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इनोग्रेटेड द कर्नूल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश? किसने इनोग्रेट किया है कर्नूल एयरपोर्ट को आंध्र प्रदेश में? आपके ऑप्शन है प्रहलाद सिंह पाटिल, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया था कर्नूल एयरपोर्ट और अवक्कल इन आंध्र प्रदेश में वर्चुअल सेरेमनी में। ये जो एयरपोर्ट है इसका नाम है युरावदा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। तो पूछा जा सकता है कि येल्लावदा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट किस स्टेट में है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने अटेंड किया था इनोग्रेशन को कर्नूल एयरपोर्ट पे। कर्नूल एयरपोर्ट 6th एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश का जो कि फंक्शनल हुआ है कडप्पा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, राजमुंद्री और विजयवाड़ा के बाद। अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक आरसीएच उड़ान जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कमेंस किया गया था 28 मार्च 2021 से। वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है उन्होंने कर्नूल एयरपोर्ट का नाम उदयवादी नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा है, जो पहले इवर फ्रीडम फाइटर्स है इस रीजन के। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, प्रहलाद सिंह पाटिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, राजकुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीका पार्टनर विथ विच स्टेट तो बूस्ट पोस्ट कोविड-19 टूरिज्म इन इंडिया? अभी हाल ही में जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पार्टनरशिप किया है किस स्टेट के साथ ताकि वो बूस्ट कर सके पोस्ट कोविड-19 टूरिज्म को इंडिया में? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पार्टनरशिप किया उत्तर प्रदेश के साथ ताकि बूस्ट किया जा सके पोस्ट कोविड-19 टूरिज्म को भारत में, और उन्होंने हाईलाइट किया जो वेरियस रिलीजियस साइट है और अदर अट्रैक्शन है उत्तर प्रदेश में। इस मीटिंग का टाइटल था पोस्ट कोविड टूरिज्म इन इंडिया, द डिटेल प्लान जो था वो अट्रैक्ट करेगा टूरिस्ट को यूपी में, जिसको कि शेयर किया गया था मुकेश कुमार मेसलम, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है टूरिज्म और कल्चर के उत्तर प्रदेश के। ये जो मित्र था इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंजू रंजन, जो कि इंडियन काउंसिल जनरल है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। यूपी कमिटेड है कि वो अयोध्या को एक लीडिंग प्लेस बनाएगा टूरिज्म का, रिलीजियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड में। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे।
साउथ अफ्रीका। इसके प्रेसिडेंट मेटमेला कैरिल रामाफोसा है। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। कैपिटल प्रिटोरिया। एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफोंटेन और लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन। साउथ अफ्रीका के तीन कैपिटल है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है साउथ अफ्रीका में अंजू रंजन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, गवर्नर डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट रन वेटनरी एम्बुलेंस नेटवर्क सेटअप इन विच स्टेट। इंडिया का पहला गवर्नमेंट रन वेटनरी एम्बुलेंस नेटवर्क जो है उसको सेटअप किया जाएगा किस स्टेट में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो सेटअप करेंगे इंडिया का पहला गवर्नमेंट रन मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी क्लिनिक नेटवर्क को आंध्र प्रदेश में। ईच असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो होगा स्टेट का उसको प्रोवाइड किया जाएगा एक एम्बुलेंस जिसमें एक वेटनरी डॉक्टर और एक पैरा वेटनरी वर्कर होंगे। ये जो एम्बुलेंस होगा वो इक्विप्ड होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी से ताकि शिफ्ट किया जा सके इंजर्ड एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक। अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। तमिलनाडु के सीएम थिरु इडापड़ी के पलनी स्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर सुश्री अनुसुईया यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हु ऑथर द बुक टाइटल इंडियन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। किसने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है इंडियन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एच सुसेन सैदी, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी नमित अरोरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नमित अरोरा। नमित अरोरा ने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है इंडियन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है इंडिया विकिंग जो कि एक इम्प्रिंट है पेंडिंग बेंजम हाउस के अंतर्गत। इस बुक में नमित ने एक्सप्लोर किया है जो आइडियाज है बिलीफ है और वैल्यू है हमारे एंसेस्टर का मिलेनिया को लेकर। एस सुसेन जैडी जिसके बारे में ऑप्शन में मेंशन था इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है द एंड गेम। ये जो है पेंड न्यू नॉवल है जो कि क्राइम राइटर है एस सुसेन उनके द्वारा ऑथर किया गया है। रस्किन बॉन्ड इनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच कंट्री टॉप इन 2021 पैरा शूटर वर्ल्ड कप। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंट्री टॉप किया है 2021 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन। यूक्रेन ने टॉप किया है जो टेबल था 11th मेडल के साथ जिसमें 5 गोल्ड 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है यूक्रेन को। जबकि यूएई ने फिनिश किया है सेकंड पोजीशन में 5 मेडल के साथ 3 गोल्ड 2 सिल्वर। इंडिया ने 7 मेडल्स के साथ 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज के साथ थर्ड पोजीशन में रहा है 2021 के वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में जो कि आपका अल एन यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडिया का रैंक क्या है और कौन सा कंट्री टॉप किया ये मेमोराइज होना चाहिए। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। इंडिया के सिंगराज जो थे उनको गोल्ड मेडल मिला है P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SS1 कैटेगरी पे। इंडिया के मनीष नरवाल को गोल्ड मेडल मिला है P4 मिक्स 50M पिस्टल SS1 कैटेगरी में और उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया फिनिश करके 229.1 पॉइंट के साथ ब्रेक किया है जो प्रीवियस रिकॉर्ड था सेबिया के रस्को जोकिक का 228.6 का। अब हम कुछ फैक्ट को देख ले। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसके प्रेसिडेंट एंड्रू पेर्सन है, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की, कैपिटल कीव, करेंसी यूक्रेनियन रिनविया। यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैयद बिन सुल्तान अल नहयान, कैपिटल अबूधाबी, करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN हैज लिस्टेड द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट इन विच कैटेगरी। जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उन्होंने लिस्ट किया अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को किस कैटेगरी में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वल्नरेबल, ऑप्शन बी क्रिटिकली इंडेंजर, ऑप्शन सी इंडेंजर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रिटिकली इंडेंजर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है उन्होंने लिस्ट किया अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जिनको कि लोकजोंटा साइक्लोटिस भी कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को इंडेंजर कैटेगरी में IUCN के रेड लिस्ट में। ये जो रिजल्ट था न्यू जेनेटिक फाइंडिंग के कारण हुआ है कि अफ्रीकन एलिफेंट को क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में, एक फॉरेस्ट और दूसरा सवाना एलिफेंट में। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो इंडिया के 10 मैमल, 15 बर्ड्स और 6 रेप्टाइल्स, 19 स्पीशीज एम्फीबियंस और 14 फिशेज को लिस्ट किया गया क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में IUCN के लिस्ट में। जो क्राइटेरिया है लिस्ट करने के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज के वो क्या है? तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करना चाहिए, वह डिक्रीज करना चाहिए ग्रेटर देन 80% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स में 3 जनरेशन तक और उसका रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु लॉन्चेड टू टेक इनिशिएटिव ऑफ MCA सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर एंड IEPFA मोबाइल ऐप।
किसने लॉन्च किया है डोट टेक इनिशिएटिव एमसीए के सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, और दूसरा आईपीएफए मोबाइल ऐप को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन सी श्रीमती निर्मला सीतारामन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रीमती निर्मला सीतारामन। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की निर्मला सीतारामन, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है दो टेक इनेबल इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। पहला ऐप का सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर सीएससी, और दूसरा है आपका मोबाइल ऐप आईपीएफए, यह है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इसका मकसद है स्ट्रेंथन करना प्राइम मिनिस्टर के विजन को, डिजिटली इम्पावर्ड इंडिया को बूस्ट करना। अब हम देखेंगे सेंट्रली स्क्रूटनी सेंटर के बारे में जानेंगे। तो स्क्रूटनाइज करने के लिए स्टेट थ्रू प्रोसेस एसटीपी फॉर्म को, जो कि फिल किया जाएगा कॉर्पोरेट के द्वारा एमसीए 21 रजिस्ट्री में, सीएसटी को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि इंश्योर करे डाटा के क्वालिटी को, इसको अनकम्प्राइज न किया जाए और फ्री फ्रॉम फ्लॉस हो। आईपीएफए ऐप, इसको लॉन्च किया गया है ताकि अचीव किया जाए जो गोल है फाइनेंशियल लिटरेसी का, एक्सप्रेस करके इन्वेस्टर को अवेयरनेस एजुकेशन और प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर को रूरल और अर्बन एरियाज में। इसको डेवलप किया गया सिटीजन इंगेजमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए, ताकि प्रमोट किया जाए अवेयरनेस को इन्वेस्टर के बीच में। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, इसके यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग सिंह ठाकुर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को संभाल रहे हैं, नितिन जयराम गडकरी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑनर्ड विथ व्यास सम्मान 2020, किनको ऑनर किया गया व्यास सम्मान 2020 से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोफेसर शरद पगोरा, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर शरद पगारे। इस्टेब्लिश हिंदी राइटर जो है प्रोफेसर शरद पगारे मध्य प्रदेश के, उनको चूज किया गया है रेसिपिएंट के लिए प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020 का। उनके हिस्टोरिक नोबल जिसका टाइटल है पाटलिपुत्र की सामग्री, जो 2020 का व्यास सम्मान है वो 30th व्यास सम्मान है, जिसको प्रेजेंट किया जाएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। जो नोबल है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसको प्रिंट किया गया था 2010 में। व्यास सम्मान के बारे में हम जान लें तो व्यास सम्मान एक एनुअल अवार्ड है जो कि इनिशिएट किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। ये जो अवार्ड है ये ऑनर करता है आउटस्टैंडिंग वर्क को हिंदी में, जो कि ऑथर किया गया हो इंडियन सिटीजन के द्वारा और पब्लिश किया गया हो पास्ट 10 ईयर्स में। ये जो अवार्ड है ये कंसिस्ट करता है 4 लाख कैश, साथ साइटेशन एंड ए प्लेक। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो आशा भोसले जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र के भूषण अवार्ड दिया गया है। अमिताभ कांत सीईओ है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप इनका इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच बैंक हैज अचीव्ड द इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एसएमई एट द एशियन टोनी बेस्ट मनी अवार्ड 2021। कौन सा बैंक ने एजक्ट किया है इंडिया का बेस्ट बैंक एसएमई के लिए एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एजुट किया है इंडिया का बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एट एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 का एशिया मनी, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बिजनेस को किया जा सके। एचडीएफसी बैंक ने कंट्रीब्यूशन किया था एमएसएमई के लिए। एचडीएफसी ने एडवांस किया था एमएसएमई को 31 दिसंबर 2020 में अबाउट रूपए 2.02 ट्रिलियन $28 बिलियन का, जो कि 38% हायर था 2019 से। अब हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक, इसके एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है, एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। जीका साइन 10 बिलियन येन लोन एग्रीमेंट विथ होम फॉर फंडिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। जीका ने साइन किया है 10 बिलियन येन का लोन एग्रीमेंट किसके साथ, ताकि वो फंड कर सके क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है टीसीसीएल, ऑप्शन बी रील, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।